मैं पीटीआई दे नाल हां और पीटीआई च रवांगा 5 साल। माशाल्लाह। मैं अमीत ते कायम जी। ठीक है। जेड़ा पीटीआई दा इत्थे चेयरमैन इस्लामाबाद तों आंदा ना एफबीआर दा, मैं ओनू भी ठोकदा। अच्छा जी। हां जी पूछ लो। क्यों तुसी ए, मैं गवर्नर सर्वर आया ओनू भी ठोकया। वजह सर तुहानू कोई? मैं पीटीआई पीटीआई ओदे पियो दी है। हां पीटीआई सारी आवाम दी है। वेरी नाइस गुड। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਤੱਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ। इमरान खान ना कोई शिकायत नहीं? इमरान खान कल्ला की कर लेगा। बुज़दार साहब ना कोई शिकायत नहीं? नहीं वो तो कुगूल बिठाया और कुगू बैठा। ओहो इस तरह नहीं कहीदा हुंदा। नहीं कह दीदा मैं कुगू? मैं नहीं ओनू पता ही नहीं है थल्ले वज़ीर आला जे साडे की हो गया। इमरान खान कल्ला की करेगा? साडे वज़ीर आला ने साड ओदे नाल टीम ही नहीं अच्छी होएगी। ओदे नाल टीम अच्छी जी वर्ल्ड कप ले आया। आहो इत्थे हुण दसो कि टीम कौन सिलेक्ट करदा? टीम ओही करदा ओदी मजबूरी है। ओ सिलेक्टर दी आवाज आ रही है। इस तरह की आवाजें मत लगाएं, रुक जाएं। कप्तान करदा लेकिन कप्तान करदा कप्तान नु इन्ना को मजबूर कर देंदे कि ले भी तू नहीं मेनू सेट करदा मैं चला। अच्छा मजबूर कप्तान मजबूर हो गया? मान साहब यकीन करो। चलो मान जी दसो, मान साहब दसो कप्तान मजबूर हो गया? मजबूर आ उना दे। हां ते छड्ड देवे फिर क्यों बैठा है? इत्थे बस दे इत्थे बस दी सीट लेके तू छड्डदा हो। वेरी गुड। मियां सफदर सदीक मेरा नाम है, आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से नायब सदर। वाह वाह। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब हम आपको सलूट पेश करते हैं। आपने जो एहसान हमारे ऊपर किया, कम अज कम हमने हमें पीटीआई को सपोर्ट करने वालों को और जो नहीं करते थे उनको भी ये बता दिया कि कोई बंदा मुल्क के अंदर इतना बड़ा नारा लेके आएगा कि मैं यूं का तू कर दूंगा और वाकई करके जाओगे। हमें नजर आया कि वाकई आपने मुल्क को जू का तू किया और सत्यानाश करके रख दिया। नहीं असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं या तजर्बा नहीं था। वो जो अय्याशियों वाला टैक्स है जो आपने खत्म करना था, वो जो आपका वादा था सर, ये बड़ी जिसमें आपने वजीर आजम हाउस को खत्म करना था, ऐवान सदर को खत्म करना था, जिसमें आपने इन वजीरों के अखराज कम करना। सारी बातें याद रखी है आपने जी? सारी बातें याद रखी हुई है सर। भूलती नहीं है, रात को नींद नहीं आती बिजली के बिल देख के। बिजली के बिल देख के नींद नहीं आती। अच्छा। हम वो लोग हैं जो बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर आके छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगा के 10 20 50 लोगों को रोजगार दे रहे थे। यहाँ पे जो हकूमती बदमाश गुंडे लुटेरे डाकू चोर इदारे हैं, पिछले थे ना ये? नहीं 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 नहीं, पिछले थे। पिछले तो चलो आगे मिनते सुन के तलवार पीछे कर लेते थे, यार इसको मारो नहीं, कम अज कम कुछ लेके भाग जाओ। और ये क्या करते हैं, ये लेके भागते भी हैं और मार के भी जाते हैं। हम बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट की सीट को तब्दीली नजर आई हमें। बिल्कुल। कहां पे नजर आई तब्दीली? नजर आई जी जो काम पहले 100 रुपए में होता था अब 1000 में भी नहीं होता। यार आप तब्दीली तो हमें नजर आई। गुस्से में? आप गुस्से में नहीं जी, बस हुई पड़ी है। हमारी एम्ब्रॉयडरी की मशीन है वो 200 गुना उसका रेट बढ़ा है। अच्छा। हमारा टोटल रॉ मटेरियल इंपोर्ट है। अच्छा। इंपोर्ट का रेट डबल से ज्यादा हुआ है। हमारे घरों के चूल्हे तंग हैं। हमें वो वाला वजीर आजम चाहिए, वो वाली रियासत मदीना चाहिए जिसमें एक वजीर की तनख्वाह होगी जो मजदूर की होगी। आपकी मेहरबानी है, कोई एक चीज खुदा का वास्ता है आपको। ये तालियां मैंने वजीर आजम के लिए बजाई हैं क्योंकि शायद याद आ जाए। बहुत शुक्रिया वजीर आजम साहब का। और हमें वजीर आजम साहब की वो बातें भी याद है जो कंटेनर पे खड़े होकर वजीर आजम साहब कहा करते थे कि जी भूल जाओ इन लोगों को घसीटूंगा। सर आप घसीटे मुल्क को तो ना घसीटे, हमें तो ना घसीटे। हमारा क्या कसूर है? हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तान के अंदर हमने जन्म लिया। हमारा ये कसूर है कि हम आपको टैक्स देते हैं, आप अय्याशी करें वहां बैठ के। हमें ना घसीटे खुदा का वास्ता।